अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अंबेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियां। तेलंगाना में 20 जून से लॉकडाउन पर रखा और रात के कर्फ्यू का इम्कान। लापरवाही से सड़क उबूर करने के दौरान हादसा, साइबराबाद पुलिस ने किया वीडियो पोस्ट। विशाखापट्टनम में हुआ इनकाउंटर, 6 मौनों आसपास। और हज 2021 के लिए सिर्फ 24 घंटों में 4.5 लाख दरखास्तें हुई मौसूल। और अब खबरों की तफसील। रियासती हुकूमत 20 जून से नाइट कर्फ्यू बिशमूल लॉकडाउन पाबंदियों को बर्खास्त करने पर गौर कर रही है। कोविड पर काबू पाने के लिए लगाए गए लॉकडाउन पाबंदियों के बाद से तेलंगाना में कोविड-19 के मुस्बत मामलों में तेज़ी से कमी का रुझान जारी है। बेहतर हालात को देखते हुए रियासती हुकूमत के पास दो तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। एक, रात के 9 बजे से सुबह 5 बजे तक एक हफ्ते या 10 दिन तक रात के कर्फ्यू को जारी रखना। दूसरा, मुकम्मल तौर पर तमाम पाबंदियों को ख़त्म करना। सरकारी ज़राए के मुताबिक इस अहम मौजू पर 1 या 2 दिन में एक हतमी फैसला किया जाएगा। अगर रात 9 बजे से कर्फ्यू जारी रहा तो सिनेमा हॉलों और रेस्तरानों को अपने औकात का वक्त तरतीब देना होगा। सिनेमा हॉल्स को भी महदूद तादाद में लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, जैसा कि कोरोना की पहली लहर के दौरान पाबंदियों को ख़त्म करने के बाद किया गया था। अगर रात का कर्फ्यू जारी रहा तो रात 8 बजे तक कारोबारी इदारों को खुले रखने की इजाज़त दी जाएगी और घर पहुँचने के लिए 1 घंटे का इजाफी वक्त दिया जाएगा। रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक सख्त रात के कर्फ्यू का इम्कान है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीरे आला के चंद्रशेखर राव अन खरीब एक आला सतही इजलास तलब करते हुए हतमी फैसला लेने का इम्कान है। लापरवाही से सड़क उबूर करना बसा औकात खतरनाक साबित होता है। ऐसा ही एक हादसा हैदराबाद के राय दुर्गम में पेश आया, जहां एक लड़की के लापरवाही से सड़क उबूर करने के दौरान एक तेज़ रफ्तार बाइक ने उसे टक्कर दे दी। गाड़ी सवार ने अपनी गाड़ी की रफ्तार पर काबू नहीं पाया, जिसके नतीजे में ये हादसा पेश आया। ताहम ये लड़की मामूली तौर पर ज़ख्मी हो गई। इस तरह लापरवाही से सड़क उबूर करने के खिलाफ साइबराबाद पुलिस ने सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर इस हादसे का वीडियो पोस्ट किया। यह हादसा जारिया माह की 12 तारीख को पेश आया। लोकसभा में तेलंगाना राष्ट्र समिति कायद नामा नागेश्वर राव को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने समन जारी किया। इस समन में ईडे ने उनकी हिदायत दी है कि वो 25 मई को उनके सामने हाजिर हों। बैंक के खर्च की मुंतकली के मामले में मरकजी इदारे ने यह समन रुकने पार्लियामेंट को जारी किया है। उनकी कंपनी के डायरेक्टर के मकानात की हाल ही में ईडी ने तलाशी ली थी। उस तलाशी में दस्तावेजात वगैरह जब्त कर लिए गए थे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के पीजी फाइनल सेमेस्टर इम्तिहानात का नोटिफिकेशन जारी हो गया है। इम्तिहानात जुलाई के पहले हफ्ते में होंगे। इम्तिहान की फ़ीस इस माह की 22 तारीख तक अदा की जा सकती है और 28 जून तक 300 रुपये देरीना फ़ीस अदा करने की भी सहूलत फ्राहम की गई है। तेलंगाना में MBA MCA कॉलेजेस में दाखिलों के लिए मुनक्किशुद ने TSI सेट 2021 के लिए दरख्वास्तों के अदखाल की तारीख में तौसी की गई है। किसी भी किस्म के देरी ना के बगैर दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 23 जून तक बढ़ा दी गई है। आई सेट कन्वीनर प्रोफेसर के राजी रेड्डी ने एक एलामिया जारी करते हुए ये बात बताई। साबिक में दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 15 जून मुकर्रर की गई थी। मज़ीद तफसीलात वेबसाइट पर देखी जा सकती हैं। तारीखी उस्मानिया हॉस्पिटल की इमारत में एक नामालूम शख्स ने फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। हॉस्पिटल की खुली कुतुबशाह बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर 55 साल शख्स ने यह इंतहाई इकदाम किया। शुबा किया जाता है कि वो किसी की अयादत के लिए आया होगा। अफजलगंज पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया है और नामालूम शख्स की शिनाख्त के काम में मसरूफ़ है। नाश को बगर्ज़ पोस्टमार्टम और शिनाख्त के लिए मुर्दाखाने में महफूज करवा दिया गया है। रियासत आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में पुलिस के साथ पेश आए इनकाउंटर में 6 माओवाद हलाक हो गए। ये इनकाउंटर ज़िले के मम्पा गाँव के करीब चहाशंबे की सुबह पेश आया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इनकाउंटर के मुकाम से AK-47 सेल्फ लोडिंग राइफल, सेमी ऑटोमेटिक कारबाइन, 3
303 राइफल्स और एक देसी साख्ता हथियार बरामद किए हैं। उन माओनवाजों की शिनाख्त हनुस नहीं हो पाई है। ताहम समझा जाता है कि उनमें एक सीनियर कैडर का माओनवाज था जिसके पास AK-47 राइफल थी। उन महलूक नक्सलैट में खवातीन भी शामिल हैं। पुलिस जराए ने ये बात बताई। मंपा पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम के दौरान ग्रे हॉर्न्स की टीमों के साथ माओनवाजों की बंदूकों की लड़ाई शुरू हो गई। कुछ वक्त तक ग्रे हॉर्न्स की टीमों और पुलिस के दरमियान फायरिंग का तबादला हुआ। सिक्योरिटी फोर्सेस ने फायरिंग के रुक जाने के बाद लाशों को बरामद किया। बेंगलुरु की सेशन अदालत ने दहशतगर्दी के इल्ज़ाम से एक मुस्लिम नौजवान को इस बुनियाद पर डिस्चार्ज कर दिया कि इस्तखाजा अदालत में मुलजिम के खिलाफ उसके मुबैना इकबालिया बयान के कोई दूसरा सबूत पेश नहीं कर सका। अदालत ने अपने फैसले में यह भी कहा कि किसी भी शख्स को सरहद पार कराना जुर्म नहीं है। मुलजिम पर इल्ज़ाम था कि उसने एक मुलजिम को साल 2005 में बांग्लादेश बार्डर पार कराया था, यानी कि उसने मुलजिम को हिंदुस्तान में दाखिल होने और बाद में उसे हिंदुस्तान से बांग्लादेश जाने में मदद की थी। बेंगलुरु सेशन अदालत के जज डॉक्टर कसम्पा नायक ने मुलजिम मोहम्मद हबीब उर्फ हबीब मियां साकिन अगरतला त्रिपुरा को एडवोकेट मोहम्मद ताहिर की जानिब से दाखिल करदा डिस्चार्ज अर्जदाश पर समाअत के बाद मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया। एडवोकेट मोहम्मद ताहिर को जमियत उलमा महाराष्ट्र अरशद मदनी कानूनी इमदाद कमेटी ने मुलजिम के दिफा में मुकर्रर किया था। दौरान बहस एडवोकेट ताहिर ने अदालत को बताया कि पुलिस ने मुलजिम मोहम्मद हबीब को दिगर मुलजिम सबाहउद्दीन के मुबैना इकबालिया बयान की बुनियाद पर गिरफ्तार किया था। मुल्क की सियासी व समाजी तंजीमों ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को एक खत लिखकर मुश्तरका तौर पर अपील की है कि हिंदुस्तान की जानिब से गज़ा में फ़लस्तीनियों को इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद रवाना की जाए। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े के ताज़ा तरीन मरहले के बाद हम गज़ा में फ़लस्तीनियों शहरियों को हालत ज़ार पर आपकी तवज्जो दिलाते हुए हुकूमत हिंद से साजगार इकदाम की उम्मीद करते हैं। ख़त में कहा गया है कि सबसे पहले हम UNSC में फ़लस्तीनियों के जायज़ हकूक़ के साथ इजहार यकजहती करते हुए तनाज़े के खात्मे पर जोर देने के हिंदुस्तानी सरकारी मौक़िफ़ की सताइश करते हैं। ये राहत और उम्मीद की बात है कि दोनों फरीकों ने जंग बंदी को कबूल कर लिया और खित्ते की सूरत हाल आहिस्ता आहिस्ता ठंडी होती जा रही है। फ़लस्तीनियों को ख़ास तौर पर गजा के रिहायशियों को इंसानी जानों और इमलाक की बेपनाह नुकसान और अब तक का बहुत बड़ा इंसानी बहरान है और ऐसे में तमाम ममालिक की सरकारी और गैर सरकारी हिमायत चाहता है। सैकड़ों यतीम बच्चों और बेवाओं को अपनाने के अलावा रातों रात बेघर होने वाले हज़ारों बाशिंदों की बाज़ आबादकारी और निजी और अवामी बुनियादी ढांचों की तामीर नौ भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। दर हकीकत गजा की 41 किलोमीटर छोटी अलग थलग पट्टी में ये काम सिर्फ और सिर्फ उनके कायदीन ही अंजाम नहीं दे सकते हैं। इतने भारी जानी व माली नुकसान के बावजूद भी उनकी तरफ से जो अज़्म और हिम्मत का मुजाहरा किया गया है उससे हमें पता चलता है कि जो भी बैरूनी मदद हासिल हो उससे वो गजा की तामीर नौ और बाज़ आबादकारी का काम मुकम्मल कर लेंगे। अमेरिका में बड़े पैमाने पर स्टडी के बाद वैक्सीन बनाने वाले इदारे ने कहा कि COVID-19 के खिलाफ जंग में नोवैक्स COVID-19 वैक्सीन कोरोना वायरस की तब्दील शुदा अकसाम के खिलाफ 90% ज़्यादा मौसर है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि इस नोवैक्स COVID-19 वैक्सीन ने एतदाल पसंद और शदीद बीमारी के खिलाफ 100% तहफ़ का मुजाहरा किया है। मजमू तौर पर 90.4% अफादियत को ज़ाहिर किया है। रियासत गुजरात में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद फौत हो गए। यह हादसा चहाशंबे की सुबह ज़िले आनंद के तारापुर के मुकाम पर पेश आया जहां एक ट्रक कार से टकरा गई। उस वाक़े में एक ही ख़ानदान के 10 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने हादसे की तहकीक़ात का आगाज़ कर दिया है। नाशों को तारापुरा हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे में मरने वाले 10 अफराद एक कार में सफ़र कर रहे थे। अलमिया उस वक्त पेश आया जब कार तेज़ रफ्तार ट्रक से टकरा गई। पुलिस मरने वालों की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा ने गुज़िश्ता रोज़ रवां बरस हज की दरख्वास्तों के लिए लिंक जारी किया और सिर्फ 24 घंटे के अंदर वहां 4.5 लाख दरख्वास्तें मौसूल हो गईं। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी वेबसाइट के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम मुल्की व गैर मुल्की शहरियों की जानिब से अब तक हज के लिए 4,50,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मौसूल होने वाली दरख्वास्तें सिर्फ 24 घंटों में मिली हैं। वजारत हज उमरा ने लिंक 24 घंटे कबल जारी किया था। सऊदी अरब की वजारत हज उमरा के मुताबिक मिलने वाली दरख्वास्तों में से 60% मर्द हजरात की हैं जबकि 40% खवातीन की हैं। हज की दरख्वास्तें जमा करवाने का इब्तदाई मरहला गैर हतमी है जिसमें ख्वाहिशमंद अफराद अपने कवायफ का इंदराज कराएंगे। दरख्वास्तों की हतमी मंजूरी का मरहला 13 ज़ीख़त तक जारी रहेगा जिसके बाद सिर्फ 60,000 अफराद को अगले मरहले के लिए मुंतखब किया जाएगा।
अंबेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से खबर, दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। तेलंगाना में 20 जून से लॉकडाउन पर रखात और रात के कर्फ्यू का इम्कान। लापरवाही से सड़क उबूर करने के दौरान हादसा, साइबराबाद पुलिस ने किया वीडियो पोस्ट। विशाखापट्टनम में हुआ इनकाउंटर, 6 मौनों आसपोर्ट। और हज 2021 के लिए सिर्फ 24 घंटों में 4.5 लाख दरखास्तें हुई मौसूल। इसी के साथ ही अंबेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पज़ीर होती हैं। तो दीजिएगा सभी तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।